Hi everyone, assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our new lecture for class 9th physics, chapter number 1 physical quantities and measurement. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख सकें। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज के मुतालिक पूछ सकते हैं। आपके क्यूरीज के मुतालिक, आपकी क्वेश्चन के मुतालिक इमीडिएटली रिप्लाई किया जाएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम स्क्रू गेज के बारे में पढ़ चुके हैं, जबकि आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले लोग किस तरह के मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते थे और अब किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा जितने भी मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये बुक में आपका मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है जिसमें हमने फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है कि पहले लोग किस तरह मास को मेजर करते थे, उस वक्त कौन सी चीज़ें थीं जो कि एग्जिस्ट करती थीं जिसके ज़रिए हम मास को मेजर करते थे। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पोर्ट्स वर यूज्ड टू मेजर ग्रेन्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द एंशियंट टाइम, यानी कि ज़माना कदीम से लोग जो हैं ग्रेन्स को, दालों को मेजर करने के लिए पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे। इन पोर्ट्स को किस तरह इस्तेमाल करते थे और ये किस तरह वैल्यूज देती थी। ये पोर्ट्स कटोरी नुमा होते हैं और इनके ऊपर वैल्यू पंच होती है, यानी कि जो भी आपने चीज़ इस पोर्ट में डालनी है, अगर 50 ग्राम का पोर्ट है तो आपने जब पोर्ट में वो स्पेसिफिक चीज़ कोई भी दाल वगैरह डाल दी है और वो फुल हो गया है किनारे तक, तो इसका मतलब है वो चीज़ 50 ग्राम मुकम्मल हो चुकी है। तो उस वक्त लोग जो हैं वो डिफरेंट पोर्ट्स को, छोटे बड़े साइज़ के होते थे, इनके ऊपर वैल्यू पंच होती थी। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो तक ये पोर्ट्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी के पोर्ट्स एग्जिस्ट करते थे। ये आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, इनके ऊपर आप देख सकते हैं ये पोर्ट्स हैं और इन पोर्ट्स के ऊपर नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि नंबर पंच हैं। तो ये बताते हैं कि इसके अंदर अगर स्पेसिफिक आपने कोई ग्रेन डाली है तो ये 100 ग्राम ग्रेन होगी, ठीक है। तो ये ज़माना कदीम में लोग इस्तेमाल करते थे, यानी कि एंशियस टाइम, हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग पास्ट, बहुत पहले जो लोग थे वो पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे। ये पोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स के होते थे, प्लास्टिक पोर्ट भी एग्जिस्ट करते थे और आपके आयरन पोर्ट्स भी एग्जिस्ट करते थे, और इनके एक साइड पे, पोर्ट के एक किनारे पे या पोर्ट की वाल के साथ जो है वैल्यूज़ को पंच किया जाता था। ये डिफरेंट पोर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं और हर एक डिफरेंट वैल्यू रखता है, यानी कि स्मॉल पोर्ट से लेके बड़े से बड़े पोर्ट्स तक हर तरह की मेजरमेंट के लिए, हर एक ग्रामेज की मेजरमेंट के लिए पोर्ट्स को डिज़ाइन किया गया था। तो उस वक्त ये लोग पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे, जबकि बाद के अंदर, यानी कि जो ग्रीक्स के और रोमन के लोग थे, इन्होंने बीम बैलेंस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बीम बैलेंस क्या होता है, एक बीम के सहारे पे दो पैन लटक रहे होते हैं और एक पैन में नॉन मास डाल दिया जाता है, जबकि दूसरे पैन में जिस मास का, जिस चीज़ का मास मेजर करना होता था वो डाल दिया जाता था। तो ग्रीक्स और रोमन्स के लोग जो हैं ये बीम बैलेंस को इस्तेमाल करते थे। अभी भी ये बीम बैलेंस देखने को मिलता है आपके विलेजेस के अंदर, आपके गाँव के अंदर कुछ लोग अभी भी इन बीम बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों को मेजर करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के लिए, यानी उनका मास किस तरह निकालते हैं। आप सब ने ये देखा होगा कि गाँव के अंदर लोग जो हैं इन बैलेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये एक शख्स जो है ये सब्जी बेच रहा है, जबकि इसके पास जो है बीम बैलेंस है। बीम एक सहारा होता है, एक स्टिक होती है, ठीक है, एक रॉड होता है जिसके ऊपर दो पैन जो हैं वो लटक रहे होते हैं। एक पैन में हम जिस ऑब्जेक्ट का मास हमें पता होता है कि ये 1 किलो है, 2 किलो है या आधा किलो का वज़न रखने वाला ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, हम उसको एक पैन में रख देते हैं, जबकि दूसरे पैन में हमने जिस चीज का मास मेजर करना होता है वो रखते हैं। तो इस तरीके से हम बीम बैलेंस के जरिए किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हैं। और ये डिफरेंट दो तरह के आपने बीम बैलेंस देखे हैं, यहाँ पर ये देखें, ये वाला भी एग्जिस्ट करते हैं और ये वाले भी, जिसे हम तराजू तकड़ी वगैरह भी कहते हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये चीज़ें जो हैं ये विलेजेस में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि शहरों के अंदर अब लोगों ने डिजिटल बैलेंस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये वाले बीम बैलेंस ये फिजिकल होते थे, हम फिजिकली मास को वहां पे रखते थे और फिर डिटरमिन करते थे, जबकि जो डिजिटल है उसके ऊपर जब किसी भी चीज़ को रखा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो नीचे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है डिजिट्स के अंदर, वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है कि आपने इस बैलेंस के ऊपर जो भी मास रखा है, जो भी ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अभी भी ये देखने को काफ़ी ज़्यादा गाँव में ये देखने को मिलते हैं। इसी तरह इन बीम बैलेंस द अननोन मास इज प्लेस्ड इन द वन पैन, इट इज बैलेंस बाय पुटिंग द नॉन मास इनटू द अदर पैन। वही चीज के जिस ऑब्जेक्ट का मास हमें नहीं पता, यानी कि ये एक पलड़े के अंदर हम क्या रख देते हैं वजन, जबकि दूसरे पलड़े में हमने क्या रख दिया, जिस ऑब्जेक्ट का मास हमें मेजर करना था। लाइक यहाँ पे एप्पल है, उनका मास हमने मेजर करना है, तो अगर 1 किलो का यहाँ पे बाट जो है अगर वजन रखा है, तो दूसरी साइड पे भी 1 किलो सेब तब होंगे जब ये बैलेंस जो है, ये बीम जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगा, तो उस वक्त पता चल जाएगा दोनों के पलड़े जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर 1 किलो का हमने बाट रखा हुआ था, तो इस वक्त एप्पल का मास भी जो है वो 1 किलोग्राम हो चुका है। तो इस तरीके से हम बीम बैलेंस को इस्तेमाल करते थे। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ चुके हैं, ये क्या काम करते हैं, इन्होंने हमें आसानी पैदा करके दी, यानी कि डिजिटल वैल्यूज में हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज में एग्जैक्ट फिगर बता दी, जिसके जरिए हम इजीली उस ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट तरीके से मास मेजर करते हैं। टुडे पीपल यूज मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आजकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दोनों तरह के यूज होते हैं। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन स्वीट्स एंड ग्रोसरी शॉप्स, दीज आर मोर प्रीशियस देन बीम बैलेंस एंड ईजी टू हैंडल। यानी कि ये जो बीम बैलेंस की निस्बत ज़्यादा अच्छे और एक्यूरेट वैल्यू बताते हैं, इनको डिजिटल बैलेंस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहा जाता है, क्योंकि ये बिजली से चलते हैं, पावर से चलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको बैलेंस जो है वो मार्केट में देखने को मिलेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इनके जरिए हम एग्जैक्ट और अच्छी, और पहले जो बीम बैलेंस इस्तेमाल होते थे उनसे अच्छी और एक्यूरेट वैल्यू जो है वो मेजर करते हैं। इसमें गलती के चांस, इसमें वेट को करीब तरीन, यानी एक्यूरेट 1 किलो है तो एग्जैक्ट 1 किलो 1000 ग्राम ये वैल्यू शो करेगा, तो हमें वैल्यू उस ऑब्जेक्ट का मास इजीली मिल जाएगा। तो हम डिजिटल को आज के दौर में इस्तेमाल करते हैं, और शहरों के अंदर ज़्यादातर यही बीम बैलेंस की जगह ये डिजिटल बैलेंस इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा सा हम बीम बैलेंस को समझते हैं कि बीम बैलेंस किस तरह वर्क करता था, और आज ये सेंसिटिव बीम बैलेंस किस तरह काम करता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो आपकी बुक में गिवन है बीम बैलेंस, ये उसका एक स्ट्रक्चर है। अब ये किस तरह काम करता है, देखें, इसका जो ये पर्पल पोर्शन है ये है बीम, इसके दोनों साइड पे हुक लगी होती हैं, ये हैं हुक जिनके जरिए हम पैन को लटका देते हैं, इन हुक के साथ पैन को लटकाया होता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाली साइड पे क्या होते हैं, पलड़े होते हैं, और इन पलड़ों के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है, बाट रखने होते हैं जिसका वजन हमें पता होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का वजन मेजर करना है वो भी रखना है, ठीक है। और इस बीम बैलेंस के दोनों तरफ स्क्रू होते हैं, स्क्रू क्या काम करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए मदद देते हैं, और सेंटर में बीम होता है, ये बिल्कुल सहारा जो, यानी कि किसी भी छत को उसका बीम जो है वो सहारा देता है। इसी तरह इस पूरे बीम को, ये जो ऊपर आपका बीम बैलेंस है, मेन रॉड लगा हुआ है, इसको क्या किया हुआ है, इस रॉड ने, इस बीम ने सहारा दिया हुआ है, और इसके सेंटर में ये पॉइंटर होता है जो कि नीचे स्केल के ऊपर 0 वैल्यू पे आ रहा होता है।
यानी कि जब ये पॉइंटर की नोक जो है ये यहाँ पर जीरो पे होगी, तो इसका मतलब है कि ये वाला पेन और ये वाला पेन ये बिल्कुल बराबर हैं, एक जैसी सतह पर हैं, एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, एक जैसे हैं। तो पॉइंटर क्या करता है, हमें पेन की पोजीशन बताता है। अगर पॉइंटर जीरो पे है तो पेन बराबर है, अगर पॉइंटर लेफ्ट या राइट साइड पे है तो पेन ऊपर नीचे है। और फिर इन पेन के नीचे स्क्रू लगे होते हैं, जिन स्क्रू की मदद से हम इसके लेवल को अप एंड डाउन करते हैं। तो ये है आपका बीम बैलेंस का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इसको आप रीड कर लेते हैं कि ये जो बीम बैलेंस है इसका बुक में किस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया है। द बीम बैलेंस कैरीज अ स्केल पैन ओवर द हुक्स ऑन आइदर साइड, यानी कि दोनों साइड्स पे हुक के जरिए पैन को लटका दिया जाता है। अननोन मास इज प्लेस ऑन द लेफ्ट पैन, यानी कि लेफ्ट पैन पे अननोन मास रख दिया जाता है। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मास दैट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो, और सूटेबल मास जिसका हमें पता होता है वो यहाँ पे रख दिया जाता है और पॉइंटर को क्या कर दिया जाता है, जीरो पे ले आते हैं, जिस तरह के ये इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। द बीम बैलेंस कैरीज द स्केल पैन्स ओवर द हुक्स ऑन आइदर साइड, और दोनों तरफ क्या होती हैं, हुक होती हैं, और इन हुक से क्या किया होता है, हमने पैन को लटकाया होता है। अननोन मास इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन, यानी कि लेफ्ट पैन पे जिस ऑब्जेक्ट का, जिस चीज का मास मेजर करना है वो यहाँ पे रख दिया जाता है लेफ्ट साइड पे, और जिस ऑब्जेक्ट का मास हमें पता होता है यानी वो बाट, वो वेट जिसका हमें मास पता होता है वो राइट पैन में रखा जाता है। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मास दैट कॉज द पॉइंटर टू बी रिमेन एट जीरो ऑन राइजिंग द बीम, और बीम को फिर क्या करते हैं, वो बैलेंस करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का मास हम यहाँ पे रखते हैं और इतना मास रखना है सूटेबल कि ये पॉइंटर की जो नोक है ये जीरो पे आ जाए। तो ये बीम बैलेंस है जो कि इस्तेमाल किया जाता था पहले। कि मिनी एक्सरसाइज गिवन है आपकी बुक के अंदर साइड पे, वो देख लेते हैं वो कौन सी है। ये देखें यहाँ पर ये मिनी एक्सरसाइज गिवन है इस पिक्चर के बिल्कुल साथ। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रू इन द फिजिकल बैलेंस, यानी कि इस फिजिकल बैलेंस में इस बैलेंसिंग स्क्रू, ये जो दोनों तरफ बैलेंसिंग स्क्रू लगे हुए हैं इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। और दूसरा है ऑन व्हाट पैन वी प्लेस ऑब्जेक्ट एंड व्हाई, किस पैन में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और क्यों रखते हैं, उनको भी बताएं। यानी दो क्वेश्चन पूछे हैं कि बताएं ये बैलेंसिंग स्क्रू इसका भी फिजिकल बैलेंस में, बीम बैलेंस में क्या काम है, और किस पैन में कौन सा वजन रखते हैं और क्यों रखते हैं, तो इन दोनों का आंसर दें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रू इन द फिजिकल बैलेंस। तो ये इसका आंसर है, देयर आर टू स्क्रू ऑन द फिजिकल बैलेंस। अभी आपने देखा कि एक स्क्रू यहां पर है और एक स्क्रू यहां पर है, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड अदर इज ऑन द राइट साइड, एक लेफ्ट साइड पे है एक राइट साइड पे। इफ पॉइंटर इज नॉट मिडल ऑन द स्केल, अगर ये वाला पॉइंटर इस सेंटर में नहीं है तो हमने क्या करना है, उस साइड से स्क्रू को टाइट कर देना। इफ पॉइंटर इज नॉट ऑन द मिडल ऑफ द स्केल वी मूव दी स्क्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू ब्रिंग द पॉइंटर इन द मिडल ऑफ द स्केल। तो हमने क्या करना है, पॉइंटर को सेंटर में ना लाने के लिए या तो स्क्रू टाइट करेंगे या उसको लूज करेंगे। तो दोनों काम करके हम, क्योंकि पॉइंटर लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है तो वो स्क्रू के टाइट करने से ही पता चलेगा कि पॉइंटर जीरो पे लेफ्ट है तो राइट कैसे आएगा और राइट है तो लेफ्ट कैसे आएगा। तो दूसरे सिंपल अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी यूज द स्क्रू टू रिमूव द जीरो एरर ऑफ द फिजिकल बैलेंस, यानी आपके पास जो फिजिकल बैलेंस है उसमें जो जीरो एरर आया हुआ है उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑन व्हाट पैन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड वाई। अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे कि हम अननोन मास जो है वो लेफ्ट पैन में रखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट पैन बिकॉज द स्टैंडर्ड मासेज आर कैप्ट इन द राइट वन विच इज द एंशियस्ट कन्वेक्शन, यानी कि पुराने लोग इस तरह इसको इस्तेमाल करते थे, हम भी इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, ऑन लेफ्ट पैन बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मास बाय कंपेरिजन
हिज मास विद स्टैंडर्ड मास ऑन द राइट एंड ऑन द फिजिकल बैलेंस। यानी कि सवाल में उसने दो कंडीशन पूछी थी, ऑन व्हाट पैन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट, किस पैन में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और वाई और क्यों, यानी कि किस लिए रखते हैं। ठीक है, तो हमने लेफ्ट पैन पे अननोन मास रखना है और राइट पैन पे नॉन मास रखना है। क्यों? टू डिटरमिन द मास ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ताकि हमें उस ऑब्जेक्ट का मास पता चल जाए जो कि अननोन है। इसी तरह लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस क्या होता है? ये एक रॉड होता है, जैसे लीवर है ना, लीवर किसी चीज को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक मेरे पास ये एक पेन है, तो ये पेन अगर लीवर के तौर पर इस्तेमाल होगा तो मैं क्या करूंगा, इससे किसी ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, उठाऊंगा। तो लीवर भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको लीवर बैलेंस कहते हैं। ये लीवर बैलेंस की दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ठीक है, दो पिक्चर्स हैं, ये भी आपने देखा होगा। लीवर बैलेंस जो है ज़माना कदीम में लोग इस्तेमाल करते आ रहे थे और अभी भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब ये ज़्यादातर विलेजेस में इस्तेमाल होते हैं। अब चूंकि दौर जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, लोग नई से नई इन्वेंशन करते जा रहे हैं, तो लीवर बैलेंस भी जो है वो इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं। यानी कि लीवर बैलेंस जो है, पहले बीम बैलेंस था जो बीम के सहारे चल रहा होता था, और ये लीवर बैलेंस है जिसके, यानी कि समझ लें कि जो बीम है वो नीचे आ गया और पैन ऊपर चले गए। तो अब हम बीम बैलेंस की जगह जो है लीवर बैलेंस को भी इस्तेमाल करना शुरू हो गए। अ लीवर बैलेंस सच एज शोन इन द फिगर 1.15, इस फिगर में गिवन है, आपकी बुक में भी ये लीवर बैलेंस यहाँ पर मौजूद है, ये लीवर बैलेंस है। ठीक है, तो इसको हमने किस तरीके से स्टडी करना है और क्या इसका फायदा होता है, ये भी हमें मास को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड द स्टैंडर्ड मास इज ऑन द अदर पैन, एक पैन पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं और दूसरे पैन में हम स्टैंडर्ड मास को प्लेस कर देते हैं जिसका मास हमें पता होता है, और पॉइंटर को क्या करना है, जीरो पोजिशन पे लेके आना है। द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव, ये जो है ये मूव करेगा। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो बाय वेरिंग द स्टैंडर्ड मासेस, हमने क्या करना है, इस मास को कम ज़्यादा करके पॉइंटर को जीरो पे लेके आना है। तो पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर 1 किलो के बाट रखे थे, 1 किलो का वजन रखा था, तो इस तरफ भी क्या है, 1 किलो वजन हो चुका है। तो ये थे लीवर बैलेंस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक आज मुकम्मल हुआ, यानी कि हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया, बैलेंसेस को, और वो बैलेंसेस पहले बैलेंसेस की जगह पोर्ट्स इस्तेमाल होते थे, आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी कि पहले हम पोर्ट्स इस्तेमाल करते थे और उसके बाद फिर बीम बैलेंस आए, फिर लीवर बैलेंस आए, और अब डिजिटल बैलेंसेस को इस्तेमाल किया जाता रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। रिगार्डिंग दिस लेक्चर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप कर सकते हैं, या स्क्रीन पर ये मेरा नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज के मुतालिक आंसर ले सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।